हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा आज का वीडियो है ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करना चाहिए, इसकी यूज़ करने का सही तरीका क्या है। सो ब्यूटी ब्लेंडर कुछ इस तरीके का होता है, मतलब ये बहुत डिफरेंट साइजेस में भी आते हैं, शेप्स में भी आते हैं। कुछ बहुत छोटे साइजेस के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं। सो मेरे पास ये जो बेसिक ब्यूटी ब्लेंडर है वो है, ये नायका का ब्यूटी ब्लेंडर है। आपको ये लोकल ब्यूटी ब्लेंडर भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के भी मिल जाएंगे। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर को डायरेक्ट फाउंडेशन के साथ यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर आप उसे यूज़ करते हो डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर को फाउंडेशन के साथ, अगर आपने फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया और ब्यूटी ब्लेंडर को डायरेक्ट यूज़ करना शुरू किया, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब जहाँ आप एक ड्रॉप या दो ड्रॉप पे ही आपके पूरे फेस को कवर कर लेगा, और अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो ये दो तीन ड्रॉप आपका ये फाउंडेशन यूज़ कर लेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके जो ये बहुत टाइट होता है, जिसकी वजह से वो फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा अपने अंदर खींच लेता है, और आपके फेस पे वो कम यूज़ होता है और पूरा का पूरा फाउंडेशन वो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर आ जाता है। सो सही तरीका क्या है? आप कभी भी फाउंडेशन या अपना मेकअप करने से पहले आप अपना पहले ब्यूटी ब्लेंडर को तैयार करें। ब्यूटी ब्लेंडर का साइज़ आप देख रहे हो कि ये छोटा है, आप देख सकते हो कि साइज़ जो है इसका थोड़ा नॉर्मल साइज़ है। सो आप एक कटोरे पे या एक बाउल पे पानी ले और इसको ब्यूटी ब्लेंडर को इस पर डिप करें और प्रेस करें। आप देखना इसका साइज़ फूलता जाएगा। अब इसको अच्छे से डिप करना शुरू करें और पानी को निचोड़ना शुरू करें। तो जितना आप उसको इतना अच्छे से निचोड़ोगे ना, देखोगे आप साइज़ काफ़ी इसका खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि आप देखो ये पहले साइज़ कितना छोटा था और अब का साइज़ देखो कितना बड़ा हो गया है। तो आपको क्या करना है कि इसकी अच्छे से इसकी पानी जो है पूरा का पूरा इसका पानी निकाल लेना है, ताकि ये आपके फाउंडेशन में मिल ना जाए इसका जो पानी है। इसको अच्छे से निचोड़ोगे तो आप देखोगे इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है। अब या तो आप पूरा पानी इसका अच्छे से निचोड़ लो, अदरवाइज क्या करो कि एक कपड़ा लो या टॉवल लो, उस पर इसको डैप करके अच्छे से इसको स्ट्रोक करवा लो उसका पानी को, ताकि इसमें जितना भी पानी रह जाता है वो आपके कपड़े पे आ जाए। अब देखो ये साइज़ कितना बड़ा हो गया, तो ये खुल गया। अगर अब इसको आप फाउंडेशन के साथ यूज़ करोगे तो ये आपके फेस पे और अच्छे से आपके फेस पे आपके फाउंडेशन को ब्लेंड भी करेगा, अच्छे से मिक्स भी करता है और आपके फाउंडेशन को कम यूज़ भी करता है। तो चलिए अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो मैंने दो ड्रॉप के अप्रॉक्स इसमें अपना फाउंडेशन निकाला है। या तो आप डायरेक्ट इसको इस पर लगाकर और अपने फेस पे ऐसे ऐसे करके लगा सकते हो, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि आप उसको ईजिली अच्छे से अपने हाथों से ही अपने पूरे फेस पे लगा लो, ताकि आपको मिलाने में ईजी हो। सो मैं आपको ऐसे पूरे फेस पे लगाकर दिखाती हूँ। मैंने पहले ही अपने फेस पे प्राइमर लगा लिया है, और जो भी बेसिक जो रूटीन होता है फेस रूटीन मैंने वो किया हुआ है। सो आप प्राइमर लगाने के बाद ही फाउंडेशन लगाएं, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन आपके पोर्स के अंदर चला जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा बाद में। सो हमेशा आप प्राइमर लगा के आप फाउंडेशन को यूज़ करें। सो आप हमेशा फाउंडेशन के जो ये पोर्शन है, ना कि ये एज वाला पोर्शन नहीं, अब जो बैक साइड का जो पोर्शन है, कभी भी हम उसको ऐसे रब करके फाउंडेशन को मिला ही नहीं, उससे क्या होगा वो लाइंस हो जाएंगे और आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा, आपके अंदर तक नहीं जाएगा। सो हमेशा फाउंडेशन को ऐसे डैप करके मिलाएं। आप देख सकते हो कि जब आप ऐसे डैप करके अच्छे से मिलाओगे ना, तो बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड होता है, और आप हमें अच्छे से इसको इस तरीके से डैप करके ही फेस पे से प्रेस करके, ना कि इसको ऐसे से रब नहीं करना है। रब करने से क्या होता है ना कि लाइन आपके फेस पे हो जाती है और फिर वो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होता और वो आपके फेस पे अच्छा नहीं दिखता। तो आप हमेशा अपने फेस पे इसी तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको पूरे के पूरे इसी तरीके से अपने फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। तो बाकी जो भी गर्दन में है वो भी आप उसको इसी तरीके से ब्लेंड करें, सो दैट कि कभी भी आप हमेशा जब आप मेकअप करते हो, कभी भी आप फाउंडेशन लगाते हो, तो कभी भी आप सिर्फ फेस पे मत करना, क्योंकि फेस और जो गर्दन है, नेक का पोर्शन है, ये सेम होता है। तो आप अगर यहीं तक मेकअप करोगे और ये पोर्शन खाली रहेगा, तब कितना अनइवन सा हो जाएगा। तो आपके पास जितना भी बचा हुआ फाउंडेशन होता है, आप उसको लास्ट में अपने पूरे के पूरे नेक पे भी आप ऐसे मर्ज कर लेना। आप एक चीज़ देख सकते हो कि जब आप
फाउंडेशन अपने आई के पास लगाते हो तो ये इस वाले पोर्शन से ही पूरा का पूरा आई का जो कॉर्नर है, जो ये कॉर्नर है, वो कवर नहीं हो पाता है। तो हमेशा जब आप इससे तो इस वाले पोर्शन से ये पूरा का पूरा आई नहीं कवर करेगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो ये वाला एज वाला पोर्शन है उसे आप देख सकते हो कितने अच्छे से ना ये आई के ऊपर जा रहा है। सो अब मैं आपको कंसीलर लगा के दिखाती हूँ। जैसे मैंने कंसीलर अपने आई के नीचे लगा लिया। कंसीलर हमेशा अपने जहाँ पर भी आपके थोड़े डार्क एरियाज हैं आप उस पर लगाएं। सो मैं आपको फिलहाल ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं इस वजह से मैं सिर्फ आई के पास ही आप लगा के दिखा रही हूँ, और थोड़े बहुत जो कॉर्नर्स वाले एरियाज है ना मैं इस पर लगा के दिखा रही हूँ, सो दैट आपको ईजी समझ में आ जाए। सो मैंने आप देख सकते हो मैंने कंसीलर हल्का का लगा लिया है। अब मैं ये कॉर्नर वाला जो पोर्शन है एज वाला मैं उससे आपको दिखाऊंगी ब्लेंडर पे। देखो आपसे उसको इसको भी इसी तरह प्रेस करके ही लगाएं, डैप करके प्रेस करके अच्छे से, ताकि वो जो कंसीलर है वो आपके आपके इस पे आई के अंदर अच्छे से चला जाए, फिर फेस पे अच्छे से चला जाए। देख सकते हो कितने इजीली और कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। आप जितने भी एजेस वाले पोर्शन है उस पे भी अच्छे से ऐसे करके आप मिलाएं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से आप मर्ज हो गया। अदरवाइज अगर आप ब्रश से या आप ऐसे रब करके करते तो ये इतना सही आपको शेप नहीं दे पाता, ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। और जो बच जाता है आप उसको ऐसे आँख के ऊपर भी लगा लें, क्योंकि बहुत लोग आई जब आप आई का मेकअप करते हो तो आई भी ऐसे इवन दिखना चाहिए, बहुत और अजीब सा नहीं दिखना चाहिए कि आपने यहाँ पर पूरा मेकअप किया और आपने आई को छोड़ दिया। सो आप ऐसे करके सब पूरे अच्छे से सब जगह मर्ज कर लो। और जब भी आप कंसीलर यूज़ करते हो तो आप बहुत आप जल्दी से ही अपने फेस पे कोई भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट है आप उसको अपने आई पे के नीचे अच्छे से यूज़ कर लो, क्योंकि क्या होता है ना जब कंसीलर यूज़ करते हो तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, सो दैट क्रैक ना पड़े, ठीक है। और बाकी फेस पे भी आप ऐसे हल्का हल्का करके पूरा, और कभी भी ना किसी भी चीज़ को आप यूज़ करो तो डैप करके यूज़ करो, तो प्रेस करके यूज़ करो, ताकि वो सब में ब्लेंड हो जाए एक दूसरे के साथ, किसी भी चीज़ की अलग सी लाइनिंग ना दिखे, अलग सा ना दिखे। सो दैट आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से हर एक जगह पे मर्ज हो चुका है, ठीक है। सो आपको अगर जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना हो तो आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को इसी तरीके से यूज़। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीक फिर से आपको एक नई टेक्निक और नई चीज़ों के साथ मिलूंगी। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।